हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वाइट कॉलर क्राइम्स तो बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइट कॉलर क्राइम्स की डेफिनेशन टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम और इनके रेमिडियल मेजर्स तो इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सब एक कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें ताकि आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पक्का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनीशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स वाइट कॉलर क्राइम इज डन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस और प्रोफेशन जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं ये बेसिकली अपर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप के लोग करते हैं यानी कि हाई स्टेटस के लोग जैसे कि बिजनेस सिंस दर्ट वाइट कॉलर क्राइम्स आर इकोनॉमिक क्राइम्स दे कॉज अ ग्रेट फाइनेंशियल लॉस टू दोसाइटी इन कंपेरिजन टू अदर ऑर्डिनरी क्राइम्स जैसे कि इनके नाम से हमें पता है कि ये मनी से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं इकोनॉमिक चीज़ों से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं तो ये जो सोसाइटी में है ग्रेट फाइनेंशियल लॉस कॉज करते हैं जो बाकी के क्राइम्स होते हैं उनसे हमें हार्म होता है सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ता है बट इन क्राइम्स से सोसाइटी पर इकोनॉमिकली इफेक्ट पड़ता है अब अगर हम बात करें प्रॉपर डेफिनेशन की तो सदरलैंड के अकॉर्डिंग वाइट कॉलर क्राइम इज़ एन एक्ट कमिटेड बाय पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई स्टेटस इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन यानी कि जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं ये बेसिकली हाई स्टेटस के पीपल कमिट करते हैं जिनकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होती है और वो ये अपने बिजनेस के दौरान या अपने प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के दौरान कमिट करते हैं सदरलैंड ने बाद में इस डेफिनेशन को और मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा अ पर्सन ऑफ द अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास वायलेट्स द क्रिमिनल लॉ इन द कोर्स ऑफ इज ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज यानि कि एक ऐसा पर्सन जो अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करता है अगर वो कोई क्रिमिनल लॉ वायलेट करता है अपने बिजनेस ऑक्यूपेशन या प्रोफेशनल एक्टिविटीज के दौरान तो उसे हम वाइट कॉलर क्राइम कहेंगे प्रोफेसर ने वाइट कॉलर क्राइम्स पर एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था वाइट कॉलर क्राइम वो चाहते थे कि क्रिमिनोलॉजी में वाइट कॉलर क्राइम्स का स्कोप और एक्सटेंड किया जाए और इसे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाया जाए स्टडी का उन्होंने इसी रिलेशन में अमेरिकन सोशलॉजिट सोसाइटी को 1931 में एड्रेस भी किया था और अपने व्यूज़ प्रेजेंट किए थे वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के ऊपर इसके बाद कई सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट ने वाइट कॉलर क्राइम्स के ऊपर रिसर्च परफॉर्म करी जिनमें से कुछ थे क्लेनार्ड हार्टंग लैंक ऑबर्ट क्रैसी क्वेनी न्यूमैन और भी बहुत सारे अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स व्हाइट कॉलर क्राइम्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं तो इनमें से कुछ टाइप्स हैं फूड एंड ड्रग एडल्टरेशन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स टैक्स इवेजन इ प्रैक्टिस टू अर्न ब्लैक मनी इ एंड करप्ट प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स पॉलिटिकल करप्शन वाइट कॉलर क्राइम इन मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशन इन सभी टॉपिक्स पर हम आगे आने वाली वीडियो पर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अभी के लिए बस हम इनके नेम्स जान लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं वाइट कॉलर क्राइम्स के इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ लार्ज स्केल पॉवर्टी है इलिट्रेसी है लोगों के बीच में इग्नोरेंस है वो ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे में वाइट कॉलर क्राइम्स बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ते हैं तो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कैसे इन क्राइम्स को कंट्रोल में रखें तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रेमिडियल मेजर्स के बारे में जो इन क्राइम्स को कम करने में हमें हेल्प करेंगी तो सबसे पहला रिमीडियल मेजर है क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस अगेंस्ट दीज क्राइम्स थ्रू द मीडियम ऑफ प्रेस प्लेटफॉर्म एंड अदर ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि हमें पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी होगी इस क्राइम से रिलेटेड जो कि हम कर सकते हैं प्रेस के मीडियम से या फिर जो बाकी ऑडियो विजुअल एड्स हैं जैसे कि रेडियो या टेलीविजन उनके थ्रू हम पब्लिक में इन क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस फैला सकते हैं एन इंटेंसिव लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स में परहैप्स हेल्प इन रिड्यूसिंग दफ़ वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट यानी कि इंटेंसिव लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाने होंगे जो कि वाइट कॉलर क्राइम्स को रिड्यूस करने में काफ़ी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं दूसरा रिमिडियल मेजर है स्पेशल ट्रिब्यूनल शुड भी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द पावर टू अवॉर्ड सेंटेंस ऑफ इम्प्रेजनमेंट अपू टेन ईयर्स फॉर वाइट कॉलर क्रिमिनल्स यानी कि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स ऑर्गेनाइज कर जाने चाहिए कॉन्स्टिट्यूट करे जाने चाहिए जिनके पास पावर हो कि जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं उनको अप टू टेन ईयर्स का इम्प्रेजनमेंट वो दे सके तीसरा रेमिडियल मेजर है स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी लॉज एंड ड्रास्टिक पनिशमेंट फॉर वाइट कॉलर क्रिमिनल्स मे हेल्प इन रिड्यूसिंग दिस क्राइम्स इवन लेजिस्लेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन मे बी जस्टिफाइड फॉर दिस पर्पज स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी लॉज और ड्रास्टिक पनिशमेंट्स फ्रेम करनी चाहिए वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए जिससे कि वो ये क्राइम करने से पहले थोड़ा डरे और इन क्राइम्स का नंबर थोड़ा कम हो फोर्थ रेमेडियल मेजर है अ सेपरेट चैप्टर ऑन वाइट कॉलर क्राइम्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन पीनल कोड बाय एमेंडिंग द कोड सो दैट वाइट कॉलर क्रिमिनल्स वह आर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट डू नॉट एस्केप पनिशमेंट बिकॉज ऑफ देयर हाई सोशल स्टेटस जो हमारा इंडियन पिनल कोड है उसमें एक सेपरेट चैप्टर वाइट कॉलर क्राइम्स के लिए अमेंड कर देना चाहिए और उसमें वो प्रोविजंस बता देने चाहिए कि अगर कोई वाइट कॉलर क्राइम कमिट करता है तो उसे क्या क्या पनिशमेंट्स मिल सकती हैं जिससे कि जो हाई सोशल स्टेटस के लोग होते हैं वो पनिशमेंट से ना बच सकें फिफ्थ रिमीडियल मेजर है वाइट कॉलर ऑफेंडर्स शुड बी डेल्ट विद स्टर्नली बाई प्रिस्क्राइबिंग स्टिफर पनिशमेंट्स कीपिंग इन व्यू द ग्रेविटी ऑफ इंजरी कॉस्ट टू सोसाइटी बिकॉज ऑफ दीज क्राइम्स जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं या जो वाइट कॉलर ऑफेंडर्स हैं उन्हें स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए और उन्हें स्टिफा पनिशमेंट्स देनी चाहिए ये ध्यान में रखते हुए कि जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं ये सोसाइटी पर कितना गहरा इफेक्ट करते हैं जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि वाइट कॉलर क्राइम्स इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं ये सोसाइटी को ग्रेट फाइनेंशियल लॉस कॉज करते हैं सिक्स रिमेडियल मेजर है देर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर अ नेशनल क्राइम कमीशन विच मे स्क्वायरली टैकल द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनलिटी इन ऑल इट्स फेस एड इंडिया में एक नेशनल क्राइम कमीशन बनाना चाहिए जो कि क्राइम से रिलेटेड और क्रिमिनलिटी से रिलेटेड जितने भी इसके टॉपिक्स हैं उन सबको गवर्न करे जिससे कि जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं या जो बाकी के भी जो क्राइम्स हैं उनको कम करने में हमें हेल्प हो सेवेंथ रेमेडियल मेजर है अबव ऑल पब्लिक विजिलेंस सीम्स टू तो बी दी कॉर्नर स्टोन ऑफ एंटी वाइट कॉलर क्राइम स्ट्रेटजी इन सब रेमेडियल मेजर्स के बावजूद जो पब्लिक विजिलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इस एंटी वाइट कॉलर क्राइम स्ट्रैटेजी के लिए पब्लिक को भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये डेंजरस क्राइम्स हैं हमारी सोसाइटी में इन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही आगे आने वाली वीडियोज़ में हम टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स को और डिटेल में पढ़ेंगे तो अगर आपको आज की वीडियो में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग